गोरखपुर के मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर के निजी सहायक व गीडा में सहायक मैनेजर के पद पर कार्यरत संजय कुमार शर्मा की कोरोना से हुई मौत के बाद शनिवार को मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, गीडा के सीईओ संजीव शरण, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने हिमायूपुर स्थित स्वर्गीय संजय शर्मा के आवास पर पहुंचकर दुखी परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढढ़ास बंधाया। इस मौके पर मंडलायुक्त और डीएम ने शासन की तरफ से कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य करते रहने पर स्वर्गीय संजय शर्मा के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद तथा गीडा की तरफ से भी आर्थिक सहायता राशि मुहैया कराया। इस मौके पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि पूरा जिला प्रशासन उनके साथ है और परिवार की देखरेख के साथ हर संभव मदद के लिए तत्पर रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिला अधिकारी वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया। नहीं याद है गोरखपुर में ये जिलाधिकारी साहब हैं गोरखपुर, लोगों ने पूरा प्रयास किया लेकिन वो संजय को बचाना बड़ा मुश्किल हुआ और क्योंकि पीजीआई से भी उनको काफ़ी कंसल्टेशन हो रहा था, हम जितना भी प्रयास कर सकते थे वो पूरा किया गया। तो अब जो है जो भी हम लोग की तरफ से जो भी परिवार के लिए किया जाना है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। क्योंकि कोई भी धनराशि कोई भी चीज़ जो है वो जो जीवन का लॉस होता है उसको तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित इसलिए हैं ये कहने के लिए कि आपके परिवार के साथ हम हर क्षण खड़े रहेंगे और जो भी शासन से सरकार से हम लोग की तरफ से बन पड़ेगा वो हम जरूर करेंगे। अब जो भी हो चुका है वो हो चुका है, जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा अच्छे से हो, उनकी जो पत्नी है उनका उनको कुछ लाभ जो भी मन में है वो मिल जाए ये हम लोग पूरे प्रयास रखेंगे। और अभी तो उनकी पत्नी को आइसोलेशन में होंगी, आइसोलेशन में रखें, स्वास्थ्य ठीक है उनका। हाँ लोगों की पढ़ाई लिखाई ठीक से होती रहे तो ये कल उसके उसकी पचास लाख एक अमाउंट उनको क्लोजिंग हुआ होगा और दिखवा लीजिएगा। ये गीडा की तरफ से इनका जो है छुट्टी का है जो ये उनका जो बेटा मम्मी के खाता में कल 50 लाख चला गया है ना, एक बार चेक कर लो उसके है डिटेल। और बाकी अब एक एप्लीकेशन देंगे तो हम उनकी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, उसमें जो नियम के हिसाब से होना चाहिए और बाकी जो भी हम प्रयास करेंगे कि जो भी उनका अच्छे से जीवन कर सके उसके लिए पूरा प्रयास थोड़ा अभी भी सुरक्षित रखिए ताकि जो लोग ज़्यादा मिलने जुलने आते हैं थोड़ा अभी भी अभी उनको आप 7 दिन आइसोलेशन में रखिए, मतलब ठीक लगे तो भी जो है इसमें 7 दिन का मिनिमम आइसोलेशन डॉक्टर ने बताया होगा।
देखते हैं, हमने जीडी में बात की है प्राधिकरण में इन लोग के लिए, लेकिन इन लोग की पढ़ाई सबसे जरूरी है कि वो जरूर चलती रहे। एक बार उनकी जो वो स्वास्थ्य थोड़ा सा लाभ कर लें, फिर हम लोग और जो बातें हैं वो कर लेंगे। हम देखते हैं प्राधिकरण की तरफ से कुछ क्या किया जा सकता है इसके लिए, करने की जरूरत नहीं। उनको ठीक होने दीजिए, फिर आपको अप्लाई करिए, फिर देखते हैं। हम जो है स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, ये समय ऐसा है कि स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सब चीज़ें फिर से आएंगी, अब किसी लाइफ चली गई हम लोग वापस नहीं ला सकते। आपको एश्योर कर रहे हैं कि जो भी हम लोग किया वापस करें। उनको आइसोलेशन में रख लीजिए, उनको अभी मत करिए। वो तो छत पे बैठा है, हां उनको आप बच्चे को छुट्टी से, हां अभी मत भेजिए, भले वो हां वो हो जाए, वो जब से आए सारे दिन नहीं है, 7-8 दिन जिस दिन होगा जी सर, राज्य सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने यह व्यवस्था कर रखी है कि कोरोना ड्यूटी में यदि किसी की कोरोना संक्रमण से मृत्यु होती है तो उसको 50 लाख रुपए की अहेतुक सहायता दी जाएगी। जिलाधिकारी महोदय और आयुक्त महोदय के निर्देश पर कल ही हम लोगों ने शासन को पत्र भेजा था स्वीकृति के लिए। कल एक दिन में शासन ने 50 लाख रुपये की अहेतुक सहायता उपलब्ध करा दी। हमारे जनपद में श्री संजय शर्मा जी जो आयुक्त महोदय के निजी सचिव थे, गीडा में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु कोरोना के कारण हो जाने के कारण उनकी पत्नी सुश्री बबीता शर्मा जी को आज कमिश्नर साहब, डीएम साहब, सीओ गीडा साहब की उपस्थिति में सूचित किया गया कि 50 लाख रुपए कल उनके खाते में ई पेमेंट के माध्यम से भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त गीडा ने ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट आदि की धनराशि भी उनको उपलब्ध कराई।